नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों की होगी। आधुनिक भारत के इतिहास के दिन हम अध्ययन कर रहे हैं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होने के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सत्ता के द्वारा क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और भारत के संवैधानिक विकास में उनका क्या योगदान रहता है, किस तरह के अधिनियम उनके द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझ रहे होंगे, EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो जो भारत में इनका साम्राज्य विस्तार होता जाता है, इनको ये बातें एहसास होती है कि भारत में प्रशासनिक सुधार करने जरूरी है और इन प्रशासनिक सुधारों करने के लिए इनके द्वारा समय समय पर गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं जिनके अधीन सारा कामकाज होता है और उनके द्वारा प्रशासनिक सुधार किया जाता है। तो इसी क्रम में जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हो जाता है तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है और ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी प्राप्त हो जाती है और इन पे सारा कामकाज देखने इनके अधीन हो जाती है। तो ब्रिटिश से गवर्नर जनरलों की नियुक्ति की जाती है प्रशासनिक कार्य हेतु, तो उसमें सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में और भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसका कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, ये हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव के लिए द्वारा लड़ा जाता है और भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की जाती है नवाब सिराज द्वारा और क्लाइव के मध्य। उसके पश्चात लॉर्ड क्लाइव पुनः ब्रिटेन चले जाते हैं और वेंचिटाट को गवर्नर जनरल नियुक्त करके भारत भेजा जाता है और इनके द्वारा बंगाल में जो प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं। उसके बाद क्लाइव, ये अभी शुरुआती दौर है, इसमें अभी तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो रही है। धीरे धीरे जब इनके द्वारा जो दीवानी अधिकार हाथ में लिए जाते हैं उसके पश्चात इनके द्वारा प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है। इलाहाबाद की संधि करते हैं और जिसके तहत उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जिम्मेदारी मिल जाती है। उसके पश्चात वायरलिस्ट और फ्रंटियर आते हैं, दो गवर्नर जनरल, ये भी उसी दौरान बंगाल में पूर्ण ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में उनका योगदान देता है। उसके पश्चात वारन हेस्टिंग आते हैं और उस समय पश्चात है जो बंगाल में प्रशासनिक सुधार का कार्य गति पूर्वक होने लगता है और उसी समय के द्वारा प्रशासनिक सुधार का जो कार्य है 1772 से 1856 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरह प्रशासन का पुनर्गठन किया जाता है और कौन कौन से कानून अधिनियम बनाए जाते हैं उसके बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे। वारन हेस्टिंग की नियुक्ति होती है 1772 ईस्वी में और 1772 से 1785 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है और इसके दौरान हम साथ साथ में जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनका कार्यकाल भी पढ़ते चलेंगे। तो वारन हेस्टिंग द्वारा आते हैं क्या किया जाता है, द्वैत शासन की समाप्ति की जाती है। द्वैत शासन के बारे में हमने कल पढ़ा था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी जाती है जिसमें दीवानी और निजामी के अधिकारों का विभाजन कर दिया। निजामत के अधिकार नवाब के पास रह जाते हैं और दीवानी अधिकार इनके पास, दीवानी अधिकारों के तहत जो दीवानी अधिकारों के तहत राजस्व का एकत्रण और राजस्व निर्धारण का कार्य इनके पास रहता है और कर वसूली का कार्य रहता है। तो इसके द्वारा जब वारन हेस्टिंग यहाँ बंगाल में आते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था हो गई जो द्वैत शासन के कारण और वहाँ की पब्लिक जनता काफी परेशान है और उनके द्वारा क्या किया जाता है, निजामत के अधिकार भी अपने हाथों में ले लिए जाते हैं और द्वैत शासन की समाप्ति कर दी जाती है। वारन हेस्टिंग जब भारत आते हैं तो कंपनी के क्रम
कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जाता है और इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वारंट लिस्टिंग की नियुक्ति होती है, क्योंकि यहाँ से कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी है जो यहाँ से इतना धन और पैसा कमाते हैं जो ब्रिटेन में जाने के बाद अपने साथ काफी धन ले जाते हैं और वहां जाने पर वे सो आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ब्रिटेन के लोगों के मन में ये धारणा थी कि कंपनी बहुत ही अधिक कंपनी का मुनाफा है जो बहुत ही अत्यधिक होगा और यहाँ पे कार्य करने वाले व्यक्ति जो कर्मचारी है वो भी अच्छा खासा धन कमाते हैं और ये वहां जाकर सामंती वर्ग के अस्तित्व को चुनौती देने लगते हैं, क्योंकि सामंती वर्ग जो वहां का था ब्रिटेन का उसके समान ही अपने जीवन यापन करने लग जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की जाती है। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा क्या किया जाता है, जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी तो आप बताओगे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अब रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जब द्वैत शासन की स्थापना की तो उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान जो नायक दीवान नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनको शुरुआती दौर में जो राजस्व है और भारत में जो अनुकूल जो भारत की परिस्थितियाँ थी उनका इनको ज्ञान नहीं था, राजस्व किस तरीके से निर्धारण होगा, राजस्व किस तरीके से वसूली होगा, तो इन्होंने भारतीय व्यक्तियों का जो सहयोग लिया। उसी दौरान जो बिहार और उड़ीसा बंगाल के अंदर दो दीवान जो उप दीवान है इनकी नियुक्ति की जाती है, दीवानों की नियुक्ति की जाती है राजस्व जो वसूलने के लिए, तो उसमें रजा का और सिद्धार्थ राय को नियुक्त किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रजा का और सिद्धार्थ राय इनको बर्खास्त कर दिया जाता है और ये दीवानी के अधिकार अपने हाथ में ले लिए जाते हैं और इन पर मुकदमा चलाया जाता है भ्रष्टाचार का। तो वॉरेन हेस्टिंग आने के पश्चात ये द्वैत शासन की समाप्ति, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाता है और दीवानों को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब भारत में प्रशासनिक सुधार करने के लिए ब्रिटेन में जो एक समिति बनाई गई थी और भारत के शासन पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया और उसके ब्रिटेन में ये नीति निर्धारण की गई भारत में किस तरीके से शासन किया जाएगा और किस तरह प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती है। तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंध की बात करते तो एक संचालन समिति के द्वारा किया जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट जिसे कहते हैं, संचालन समिति को कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट में क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्ट में व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जिनका शेयर है जिनकी हिस्सेदारी है उन व्यक्तियों द्वारा इसका संचालन किया जाता था। उन व्यक्तियों द्वारा ये निर्धारित किया जाता था कि कंपनी किस तरीके से भारत में शासन करेगी। तो उस दौरान क्या कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी और कंपनी के व्यक्तियों के द्वारा खूब धन एकत्रित किया और कंपनी के हिस्सेदारों को लाभांश खूब मिलने लगा और ये लाभांश 6% से बढ़ाकर 6% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाता है। तो वहां के लोगों की धारणा हो जाती है कि कंपनी के द्वारा अच्छा खासा मुनाफा भारत में कमाया जा रहा है और ताज जो वहां का शासक जो ब्रिटेन का जो शासक था राजा था लोगों द्वारा मांग की जाती है कि क्राउन को ये सारा कंपनी को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग ही हटकर हो जाती है। तत्कालीन समय में युद्धों में काफी व्यस्त होने से धन खर्च होने से और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है और कंपनी की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है तो इसकी जो इसके निवेशकों द्वारा क्या किया जाता है कि कंपनी को कुछ ऋण की आवश्यकता होती है और ब्रिटिश सरकार से जो ऋण की मांग की जाती है उसके लिए उनके द्वारा एक निवेदन किया जाता है। कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, जो ब्रिटिश सरकार है उससे 14 लाख का ऋण की मांग की जाती है, उसके लिए एक आवेदन दिया जाता है। जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चलती है तो ब्रिटिश सरकार के दौरान संसद में काफी बहस होती है और ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अगर ऋण देना है तो ऋण देने के लिए क्या तथ्य और साक्ष्य इनके पास है, किस आधार पर इनको ऋण दिया जाए। तो ब्रिटिश की संसद के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाता है, दो समितियों का गठन किया जाता है जिसमें एक सीक्रेट समिति और एक सेलेक्ट समिति। तो एक समिति द्वारा क्या किया जाता है, 14 लाख पाउंड ऋण का
दे दिए जाए। उसके पश्चात दूसरी समिति द्वारा क्या किया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का गठन किया जाता है, जिसे हम संचालन समिति भी कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का गठन किया जाता है जिसे संचालन समिति कहा जाता है। और यह तय किया जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण इस संचालन समिति के द्वारा किया जाएगा। और इस संचालन समिति के अंदर संचालन समिति में जो वाक्य हिस्सेदार थे, जो शेयर धारक थे, जिन्होंने पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा रखा था, जैसे मैंने पहले भी बताया था 1600 में भारत जो ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों द्वारा इस कंपनी की स्थापना की थी और भारतीय देशों के साथ व्यापार करने, जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए इसकी स्थापना की और वहाँ के शासक द्वारा इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो उसी दौरान जिन लोगों ने इनमें पैसा लगा रखा था और इन्वेस्ट कर रखा था, उन्हीं लोगों को क्या होता है इसमें जो निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है। और जिस तरह जिस आधार पर जिस व्यक्ति के जितने पैसे लगा रखे उसको वोट देने का अधिकार होता है कि कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी। तो इस संचालन समिति का गठन हो जाता है और इस संचालित समिति को अधिकार दिया जाता है कि भारत में जो प्रशासनिक परिवर्तन है उनका निर्धारण इसके द्वारा किया जाएगा। और इसी जो संचालन समिति के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था की जाती है, जो 1773 ईस्वी में ब्रिटिश की जो संचालन समिति द्वारा तय किया जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया जाता है भारत में प्रशासनिक कार्य किस तरीके से किए जाएंगे, दिवाली और निजामत कार्यों का संचालन किस तरीके से होगा। उसके दौरान जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनता है और भारत में 1774 ईस्वी में लागू होता, ये प्रशासनिक परिवर्तन और प्रशासनिक सुधार के लिए अंग्रेजों का प्रथम प्रयास होता है। और धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा काफ़ी ऐसे अधिनियम और कानून बनाए गए जो भारतीय संविधान के निर्माण में भी अंत में जाकर सहयोगी हुए थे। और इनके तहत किन किन कानूनों का, जो किन किन अधिनियमों का और निर्माण इनके द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में हम निरंतर चर्चा करेंगे कि प्रशासनिक रेगुलेटिंग एक्ट, फिफ्थ एक्ट, इनके बारे में अध्ययन हर आगे की क्लासों में निरंतर करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो आपको, किसी तरह की शंका हो, डाउट हो, तो आप निःसंकोच पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और जो गवर्नर जनरल है इनका भी हम साथ साथ में लेते हुए अध्ययन कर रहे हैं और आने वाली क्लासों में जो इसमें जो भारतीय संविधान का निर्माण है उसमें जो संवैधानिक विकास का क्रम इसके साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात जब क्राउन के अधीन शासन आ जाता है और क्या क्या इनके द्वारा सुधार किया जाता है उनको हम साथ लेते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें भारतीय संविधान के विकास के क्रम को भी साथ में पढ़ लेंगे। तो ये मैंने मूल जानकारी इसके बारे में दी है और कल से हम जो इसके बारे में जो अधिनियम इनके द्वारा पारित किया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किस तरह के नियम बनाए गए थे और इससे क्या किस तरह का क्या महत्व था इसका, किस तरह के जो नुकसान हुए, किस तरह का फायदा हुआ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे।